के अंदर से हम लोग निकल के आए। बहुत ही टफ है लेकिन बहुत मजा आने वाला है। गाइस देखिए, मेरे से लंबे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्किनी व्लॉगर। तो आज हम लोग जाने वाले हैं गार्डन ऑफ केव्स यानी कि चेरापूंजी। एक्चुअली ये कोई दोस्तों के साथ ट्रिप नहीं है, फैमिली के साथ ट्रिप है। मेरी भाभी के भाई आए हुए हैं तो भैया उनको घुमाने ले जा रहे थे, तो भैया ने कहा चलो तुम भी ब्लॉग बना ले। मैंने सोचा चलो फिर आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मजा आने वाला है। अब मैं सामान वामान गाड़ी में रखता हूँ, फिर निकलते हैं। तो गाइस अपना जर्नी शुरू हो चुका है। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। तो हम लोग रुके चिप्स लेने के लिए, चिप्स लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे अपना फास्ट ब्रेक लिया है, बस छोटे बच्चे के लिए चिप्स लेने के लिए। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे गार्डन ऑफ केव्स, तो वहाँ पहुँच के फिर आपसे बातें करता हूँ। तब तक आप रास्ते का व्यू एंजॉय करिए, मजा आने वाला है। गाइस फाइनली हम लोग गार्डन ऑफ केव्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हेड आपको 100 रुपीज लगेगा एंड चिल्ड्रन का 50 रुपीज। तो चलिए अब आपको अंदर जाके आपको नजारा दिखाता हूँ। चलिए तो ये है एंट्री गेट। चलो बेटा लेफ्ट साइड। तो गाइस ये है स्पॉट नंबर 1। चलिए आपको स्पॉट 1 दिखाता हूँ। यही है स्पॉट 1, इसका नाम है पलोंग सीएम। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो माफ करिएगा, आई एम सॉरी बाबू, बट यही है स्पॉट 1। इसके अंदर से हम लोग को जाना है जड़। तो ये है स्पॉट नंबर 2, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा शायद सुम सीएम, शायद आई डोंट नो, मेरे को खासी वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब हम लोग स्पॉट नंबर 2 पे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए डरावना भी है और स्लिपरी भी है। देखिए लुक एट दिस गाइस, डरावना सा केव। ये है स्पॉट नंबर 2, यहाँ पानी तो बहुत कम है अभी। तो गाइस ये है स्पॉट नंबर 2 का नाम हमको प्रोनाउंस करने नहीं आता है, फिर से बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ का सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। स्पॉट नंबर 2 से अब हम लोग जा रहे हैं स्पॉट नंबर 3 पर। चलिए स्पॉट 2 से स्पॉट 3 थोड़ा दूर है शायद, कि हम चल रहे हैं अभी तक आया नहीं है। चलिए स्पॉट 3 जा रहे हैं हम लोग सभी। बाय कर दे, तू बाय कर दे, बाय बाय। तो गाइस ये स्पॉट नंबर 3, ठीक नहीं हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, सॉरी आप देख लेना। ये है स्पॉट नंबर 3 का नाम और इधर है स्पॉट नंबर 3। अरे स्पॉट नंबर 3 ई होते स्पॉट नंबर 3 ना, स्पॉट नंबर 3 वन है। अच्छा स्पॉट नंबर 3 ओके, ये स्पॉट नंबर 3 जहाँ पानी नहीं है। अरे हम घूमे हुए हैं सर,
और ये स्पॉट नंबर 4। मम्मी हाँ मम्मी तू आगे चल ना, तू आगे चल। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? हाँ, ये है स्पॉट नंबर 4 का एंट्री। चलिए हम अंदर चलते हैं। ध्यान से चल चल, एक सेकंड एक हम देख ले। गाइस देखिए, मेरे से लंबे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पे चोट लगने का डर रहता है स्पॉट नंबर 4 में। मैं झुक के जाना पड़ रहा है, मैं पुष्पा तो नहीं हूँ जो झुकेगा नहीं, झुक के जाना पड़ेगा मेरे को। चलो बेटा अमर, देखिए मेरे पीठ में लग रहा है, बहुत खतरनाक है। चलो चलो तू सीधा उठ जा। गाइस देख रहे हो अंधेरा, पूरा केव में पानी टपक रहा है। हम लोग स्पॉट नंबर 4 के अंदर में हैं अभी, बहुत ही मजेदार एडवेंचरस। बेटा आजा, चलो बेटा उतरो, आराम से उतरो, आंटी की चोट नहीं लगना चाहिए। बहुत ही मजेदार गाइस, सही मस्त है यार, अब मजा आ रहा है। गाइस माथा में चोट लग गया। हाँ हाँ ठीक हो गाइस, लंबा होना भी रिस्क है यार। गाइस थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ही मजेदार है, यहाँ आना चाहिए हर किसी को। तो गाइस देखिए, ये पूरा खाई के अंदर से हम लोग निकल के आए, बहुत ही टफ है लेकिन बहुत मजा आने वाला है। भैया को दिखाया है मैंने आपको कि भैया भी चढ़ के आ रहे थे। तो अगर आप पतले हैं ना तो फिर भी थोड़ा आराम है, लेकिन अगर आप मोटे हैं ना, मतलब बॉडी शेप नहीं कर रहा बट थोड़ा सांस फूल सकता है आपका अंदर में, क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन कम है अंदर। लेकिन मज़ेदार है यार, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आइए यहाँ पे घूमने के लिए। चलिए अब अगले स्पॉट पे चलते हैं हम लोग। स्पॉट नंबर 4 से हम लोग निकल चुके हैं, अब चल रहे हैं स्पॉट नंबर 5। देखिए जड़ गाछी का जड़ पूरा गुफा को बचा के रखा हुआ है, नहीं तो पत्थर कभी ढह सकता है। हाँ ठीक है बेटा, चलो 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 चलो। नजारा तो इधर मस्त है, लेकिन वही है ना कि शिलोंग में कहीं भी जाओ यार, मतलब पहाड़ वहाड़ तो आपको एक ही जैसा लगेगा, यहाँ पे डिफरेंट एक ही है कि केव्स यहाँ पे बहुत सही सही है, केव्स है और इसका नेचर भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे फील भी बहुत अच्छा है, क्लाइमेट ना आपको जो ऑक्सीजन मिलता है ना, क्योंकि गाछी बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा फील होता है, पीस। तो गाइस ये है स्पॉट नंबर 5, देखिए क्या है जबरदस्त है, देख रहे हो जड़ से कैसे। यहाँ पे जब मानसून के टाइम पे आएंगे ना गाइस, तो जबरदस्त वाटरफॉल देखने को मिलेगा आपको। कोई ना, इस बार मानसून में भी हम लोग आएंगे यहाँ पे और आपको वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ। स्पॉट नंबर 5 गाइस, अलग अलग डायरेक्शन से आपको दिखा रहा हूँ। खतरनाक है कितना ज्यादा। चलो बेटा ध्यान से, हाँ नहीं हाथ नहीं छोड़ सकते बेटा, चलो कर दो। हाय गाइस, चलो तो गाइस हम लोग स्पॉट नंबर 5 से भी निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं स्पॉट नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन जगह है यार, मजा आ रहा है यहाँ पे। अब पहले लगा कि शायद बोरिंग हो सकता है, लेकिन अब मजा आ रहा है, तो आप लोग को भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ये जगह, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हाँ आप सभी आ सकते हैं यहाँ पे, दोस्तों के साथ आइए, गर्लफ्रेंड के साथ आइए या फिर फैमिली के साथ आइए, तीनों में ही बहुत मजा है। स्पॉट नंबर 6 जाने के बीच में ये ब्रिज बहुत ही बेहतरीन है, अभी थोड़ा पानी कम है वही दिक्कत है, बस दिक्कत नहीं है एक्चुअली, हम लोग गलत टाइम पे आए हैं, मानसून के टाइम पे आएंगे ना तो भाई मजा आने वाला है। मेरे घर वाले मेरे को छोड़ के बहुत आगे चले गए, मेरे को जाना पड़ेगा, और मेरा आवाज़ क्लियर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं थक चुका हूँ यार, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफी। आई एम सॉरी बाबू। तो गाइस ये स्पॉट नंबर 6, ये बेहतरीन है, पानी रहता ना तो मस्त लगता, क्योंकि ऊपर से वाटरफॉल बहता, आय हाय मज़ा आ जाता।